हेलो गाइस, टोटल हिंदी टेक्निकल में वेलकम है आपका। और गाइस, आज फिर से हम एक एलईडी बल्ब बनाने वाले हैं, जो ये रहा आप देख सकते हैं। ये खोखा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखिए, 10 रुपए में एक बहुत बढ़िया सा एलईडी बल्ब बनाने वाले हैं हम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। लेट्स गो 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 टोटल हिंदी टेक्निकल। तो ओके गाइस, सबसे पहले हमें एक ये खराब एलईडी बल्ब चाहिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये ढक्कन मैंने उतार दिया था, ये देखिए, तो ये पूरी तरह खराब है गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला हिस्सा इसका निकाल लेंगे। उसके लिए हमें एक पेचकस की जरूरत पड़ेगी। तो आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे कर करके ये बहुत ही आसानी से आप बाहर निकाल लोगे, देखिए। और सावधानी से आपको निकालना है, बल्ब भी खराब नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने निकाल दिया है और बहुत आसानी से निकल भी गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से। तो इसके अंदर आपको सर्किट दिख रहा होगा, तो हो सकता है इसकी एलईडी खराब हो, सर्किट सही हो। लेकिन गाइस, हम इसे नया बनाएंगे 10 रुपये में, तो इसलिए मैं इसका सर्किट को बाहर निकाल रहा हूँ। तो अब ये जो इसके अंदर वाले तार हैं, इनको हम यहाँ पर काट देते हैं, ये देख सकते हैं आप इसके अंदर। तो चलिए मैं काट देता हूँ। तो इस तरीके से गाइस, ये मैंने काट दिया है। और यहाँ पर हमें ये वाली प्लेट चाहिए थी, ठीक है। और खोखा हमारे पास ये है यहाँ पर, क्योंकि इसका एल्युमिनियम का ये कवर बना हुआ है, ये देखिए, तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एल्युमिनियम वाला ही आपको लेना है, सिंपल लोगे तो वो ख़राब हो सकता है, पिघल सकता है गर्म होकर के। तो ये भी हम निकाल लेंगे। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं नट लग रहा है, ये देखिए। तो इस नट को भी मैं खोल लूँगा कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिए, मैंने खोल लिया है, ये देखिए, ये हटा दिया है मैंने। तो इस तरीके से गाइज, अब ये हम ये सर्किट को भी हटा देते हैं यहाँ से, कट करके इसके दोनों तार, ठीक है। ये देखिए, मैंने दोनों तार कट कर दिए, ये सर्किट मैंने अलग कर लिया है। तो हमें बस ये इसका एल्युमिनियम वाला प्लेट चाहिए था, ठीक है। तो चलिए, अब इसकी ये जो एलईडी है, इनको भी हम यहाँ पर हटा लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, मैंने हटा दिया है गाइज। और ये रही हमारे पास एल्युमिनियम की प्लेट, ठीक है। ये एल्युमिनियम की प्लेट, ये हमारी इस कवर में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कवर भी मिल गया और प्लेट भी मिल गई। तो अब गाइज, मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये DOB प्लेट, ये देख सकते हैं गाइज। ये मात्र 10 रुपये की मैंने बाजार से ली है, और ये आपको बनी बनाई मिल जाएगी, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये दोनों तार, इसके ये दोनों तार जो है, ये AC में लगाइए बोर्ड में, और ये जल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एक IC लगी हुई है और ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो ये IC तो इसका कंट्रोलर है, और ये साइड में सारी LED है। तो गाइज, ये बहुत बढ़िया जलता है, और ये 10 वाट का बल्ब है, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से ये बना बनाया आता है, बस हमें ये चाहिए। और ये बाजार में आपको इलेक्ट्रिकल की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो अब ये वाली प्लेट को हमें यहाँ पर इस एल्युमिनियम की प्लेट पर लगानी है। और लगाने के लिए ये जो इसके दूसरे वायर हैं, ये लगे हुए ही आए हैं इसमें। तो इन दोनों वायर को मैं यहाँ से बीच वाले होल से निकाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो गाइज, होल पतला हो गया है, तो इसे थोड़ा सा हम इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। किसी भी पेंचकस से आप आसानी से बड़ा कर लोगे इस तरीके से। तो देखिए गाइज, इस तरीके से हमने होल को अच्छी तरीके से चौड़ा कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये रही हमारी DOB, तो इसके वायर दोनों इसके अंदर डालेंगे हम कुछ इस तरीके से। लेकिन गाइज, इससे पहले हम यहाँ पर एक हीट सिंक पदार्थ हम यहाँ पर लगाएंगे। ये कुछ केमिकल है, इसका नाम मुझे नहीं पता है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम लगा देंगे, और ये हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और इसे लगाना बेहद ज़रूरी है। ये क्या काम करेगा, ये प्लेट को और आपकी DOB को आपस में कनेक्ट कर देगा। तो जितनी भी DOB गर्म होगी, वो सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी, और DOB आपकी सुरक्षित रहेगी, ठीक है। ये पेस्ट भी आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोनों वायर को आप इस तरीके से इसमें बाहर निकाल देंगे, देखिए। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही आसानी से यहाँ पर इस तरीके से इनको निकाल दिया है, और ये बहुत आसानी से यहाँ पर चिपक भी जाएगा। तो गाइज, देख सकते हैं, ये इस तरीके से चिपक करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको तो मैं साइड में रख देता हूँ। और गाइज, अब बारी आती है खोखे की, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर दो तार लगे हुए हैं, देखिए, छोटे छोटे से। तो ये बहुत छोटे हैं, तो इनको हमें निकालना है, और हमें यहाँ पर दूसरे तार लगाने हैं, ठीक है भाइयों। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे आयरन से गर्म करेंगे, और आयरन हमारे पास ये रहा, आप देख सकते हैं। तो इसकी मदद से हम यहाँ पर इसको ऊपर से गर्म कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो गर्म करने से क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर जो तार है वो निकल जाएंगे बहुत आसानी से। और भाइयों, अब आपको यहाँ पर एक प्रकार लेनी है, ये देखिए प्रकार, ये आपको स्टेशनरी की दुकान से मिल जाएगी, और आपके घर में जो बच्चे हैं उनसे भी ये मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी मदद से आप यहाँ पर बीच में इसमें होल कर देंगे कुछ इस प्रकार से, बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये होल। और भाइयों, हाथ बचा के रखना है आपको, क्योंकि ये चीज़ बहुत बहुत ही डेंजर है, ये हाथ पे नहीं लगनी चाहिए। तो देखिए भाइयों, यहाँ पर होल दोनों हमने कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए दोनों होल हो चुके हैं। और अब चलिए, इन दोनों होल में हमारे पास यहाँ पर दो तार है, ये देखिए। तो इन दोनों तार को हम यहाँ पर इसमें लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, दोनों तार को मैं कुछ इस प्रकार से लगा देता हूँ,
ये देखिए बहुत ही आसानी से गाइस ये लग जाएंगे। और ये ऊपर का इसका उतर गया है, तो इसको हम बहुत आसानी से यहाँ पर लगा देते हैं। और भाइयों अब यहाँ पर जैसे का तैसा हम इसे सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। तो देख सकते हैं भाइयों दोनों तार हमने यहाँ पर लगा दिए, ये देखिए। तो अब चलिए इसमें ये हमारा DOB जो हमने तैयार किया था ये हम यहाँ पर लगाते हैं। लेकिन गाइस उससे पहले हम यहाँ पर इसमें हल्का सा ग्लू लगा देंगे जिससे हमारे जो ये तार है ये लूज ना रहे। तो देख सकते हैं भाइयों ये अच्छी तरीके से चिपक चुका है, ये देखिए। और अब चलिए ये जो हमारे DOB है इसको यहाँ पर लगा देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर इसके दोनों वायर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इनको दोनों को कनेक्ट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्हें मैं छील लेता हूँ अच्छी तरीके से यहाँ पर, ये देखिए। और ये जो एक्स्ट्रा वायर है इनको हम काट देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने छील लिया है। और फिर इस तरीके से एक एक वायर को आपस में जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। बहुत आसानी से ये जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए दो वायर इस होल्डर में से निकल रहे हैं और दो वायर ही DOB में से निकल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों वायर को आपस में जोड़ देते हैं और फिर इनके ऊपर हम यहाँ पर ये टेप को लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए भाई ये दोनों तार हमने जोड़ दिए हैं और इस तरीके से बल्ब हमारा तैयार हो चुका है। और अब इस DOB को हम इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से। तो दोनों तार को आपको अंदर कर देना है कुछ इस तरीके से और फिर इसको यहाँ पर प्लेट को भी आपको इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा प्रेशर डाल करके इसको यहाँ पर इस तरीके से चिपका देना है। ये अपने आप ही चिपक जाएगा, बस आपको हल्का सा प्रेशर डालना है यहाँ पर। ये देखिए भाइयों, तो ये रुक गया है। अब चलिए भाइयों इसे हम यहाँ पर ऊपर से भी बंद कर देते हैं। और ऊपर का कवर ये रहा, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से अच्छी तरीके से बंद कर देंगे। तो देखिए भाइयों इस तरीके से बल्ब हमारा बंद करके तैयार हो चुका है। और गाइस अब इसको हम टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी जो ये रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई आ रही है। तो चलिए भाइयों अब इस बल्ब को मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक होल्डर की जरूरत पड़ेगी जो ये रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए दोनों तार जोड़ रखे हैं मैंने, ये देखिए इस तरीके से। तो इस होल्डर के साथ में हम इस बल्ब को मैं आपको जला करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसके तार पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। आपको ऐसे नहीं लगाने, मैं तो मेरे को प्रैक्टिस है इसलिए मैं ऐसे लगा रहा हूँ। तो आपको प्रॉपर यहाँ पर एक 2-पिन प्लगइन का यूज़ करना है। तो चलिए अब ये रहा हमारा बल्ब। तो देखिए मैं होल्डर में लगा रहा हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ मैं, ये देखिए। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये बल्ब जल रहा है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं गाइज इस तरीके से मैं यहाँ पर MCB बंद कर रहा हूँ और ये बंद हो जाएगा, ये देखिए। और गाइज ये 10 वाट का बल्ब है और कितना बढ़िया जल रहा है, एकदम बहुत ही आसानी से ये बन गया। इसमें सिर्फ 10 रुपये का खर्चा आया है गाइज। LED बल्ब तो आपको ख़राब कहीं से भी मिल जाएगा। तो ये आप DOB की प्लेट ला करके बाजार से बिल्कुल इसी तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हो और बल्ब आपका बिल्कुल 100% काम करेगा, ये देखिए। ये देखिए भाइयों, तो भाई ये बहुत बढ़िया तरीके से ये बल्ब काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे कितनी भी देर जलाइए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि सर्किट भी इस LED के अंदर ही लगा हुआ होता है इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पर रोशनी दे रहा है ये देखिए। तो भाइयों इस तरीके से आप बहुत आसानी से एक LED बल्ब को घर पे ही रिपेयर कर सकते हो मात्र 10 रुपये में। जी हाँ, ये इसके अंदर जो DOB मैंने लगाई है वो सिर्फ 10 रुपये की मिलती है और वो बहुत ही आसानी से आपको बाजार से मिल जाएगी। तो ओके भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा और एक लाइक आप इस पर जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।